बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फेमस अरेबियन डिज़र्ट की रेसिपी, जिसका नाम है लायली लेबनन। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 5 से 6 अदद ब्रेड स्लाइसिस। इनके एजेस को हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एजेस जो है वो हमने रिमूव कर लिए हैं ब्रेड के। अब इनको एक साइड पे रखेंगे और बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा 4 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम, जैसे कि हम लोग घर पे बलाई होती है दूध की, वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद क्रीम को हम एक साइड पर रख देंगे। देन हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर एक बहुत ही प्यारा सा पतीला या बर्तन, कोई सा भी जो आप दूध को उबालने के लिए यूज़ करते हैं, उसको रखेंगे। देन इसमें हम 1.5 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। अगर तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा चाहिए कस्टर्ड पाउडर का, तो आप इसमें 1.5 कप के बजाय 2 से 2.5 कप दूध भी शामिल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप दूध शामिल किया है। 1.5 कप दूध में 4 चम्मच के करीब चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप कम या ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चीनी कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब इसको चीनी ऐड करने के बाद दूध को उबलने देंगे। अच्छा, जब तक दूध उबल रहा है तब तक आप कस्टर्ड पाउडर का सॉल्यूशन बना सकती हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप दूध। 1/4 कप दूध में हम 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि उसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्ब्स ना रहें। लम्ब्स फ्री कस्टर्ड ऐड करेंगे तो कस्टर्ड बहुत अच्छा बनेगा। अब दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, तो अब इसमें हम कस्टर्ड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 7-7 चम्मच चलाते रहेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 2 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाएंगे, ताकि उसमें कोई भी लम्ब्स ना बने। देन इसको हम 5 मिनट तक पका लेंगे। अच्छा, कस्टर्ड को हमने ज़्यादा थिक या गाढ़ा नहीं करना है, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम रूम टेम्परेचर पे इस कस्टर्ड सॉल्यूशन को 5 से 10 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसको नहीं, इसको फ्रीज़र में अभी नहीं रखना है, अभी इसको हम इसी तरह ठंडा करेंगे। देन हम कोई भी डिज़र्ट प्लेटर या सर्विंग डिश लेंगे, उसमें पहली लेयर हमने ब्रेड्स की लगानी। ब्रेड्स के बाद हम इसमें जो कस्टर्ड सॉल्यूशन बनाया है वो उसके ऊपर ऐड करेंगे। देन इस पर हमने जो क्रीम स्प्रेड बनाया था उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। देन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 1 लेयर ब्रेड की, देन कस्टर्ड सॉल्यूशन, देन इस पर फिर से क्रीम आएगी। अच्छा, कस्टर्ड सॉल्यूशन जितना आप ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। ये जो लेबनीज नाइट्स है, बेसिकली पुडिंग हम बना रहे हैं, इस अरेबियन डिज़र्ट का ये है कि ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो था वो ऑलमोस्ट रसमलाई जैसा बना हुआ था। तो जितना इसमें लिक्विड का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा रखेंगे आप, उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसको बादाम और ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ जो है वो डेकोरेट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस लायली लेबनन की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम 1 आवर के लिए कवर करके फ्रीज कर देंगे, और जो ब्रेड्स की साइड्स हमने कट करके रखी थी उनको वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और उनको डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर गुजर चुका है और अब हम इसको फ्रीज़र से निकाल कर ले आए हैं। अब इसको देखते हैं कि कैसा बना है। माशाल्लाह, देखने में तो बहुत ही बेहतरीन है। सो अभी मैं ये आपको कट करके टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। डियर सिस्टर्स, जब तक मैं इसको टेस्ट करती हूँ तब तक आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरे चैनल को किस सिटी से देखती हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अरे ये क्या, ये रेसिपी तो जितने कम टाइम में बनी है उतने ही कम टाइम में देखते देखते ख़त्म हो गई है। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका था। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, टेस्ट करें और फिर फीडबैक जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने बनाई थी रेसिपी तो कैसी बनी थी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।